आचार्य के द्वारा दुशासन का तिरस्कार, वीर केतु आदि पांचाल कुमारों का वध तथा उनका धृष्टद्युम्न आदि पांचालों के एवं सात्यकी का दुशासन और त्रिगर्तों के साथ घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने दुशासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा, तो वे उससे कहने लगे, दुशासन, ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं? राजा दुर्योधन कुशल से तो है ना, तथा जयद्रथ अभी जीवित है ना? तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजा के भाई हो, और तुम्ही को युवराज पद प्राप्त हुआ है। फिर तुम युद्ध से कैसे भाग रहे हो? तुमने तो पहले द्रौपदी से कहा था कि तू हमारी जुए में जीती हुई दासी है, अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधन के वस्त्र लाकर दिया कर। अब तेरा कोई पति नहीं है, ये सब तो तेलहीन तिल के समान सारहीन हो गए हैं। ऐसी ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्ध में पीठ क्यों दिखा रहे हो? तुमने पांचाल और पांडवों के साथ स्वयं ही वैर बांधा, फिर आज एक सात्यकी के सामने आकर ही तुम कैसे डर गए? पहले कपट द्यूत में पासे पकड़ते समय तुमने यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल बाण हो जाएंगे। शत्रुदमन, तुम सेना के नायक और अवलंब हो। यदि तुम ही डरकर भागने लगोगे तो संग्राम भूमि में और कौन ठहरेगा? आज यदि अकेले ही जूझते हुए सात्यकी के सामने से तुम भागना चाहते हो तो रणस्थल में अर्जुन, भीम या नकुल सहदेव को देखने पर क्या करोगे? हो तो तुम बड़े मर्द, जाओ झटपट गांधारी के पेट में घुस जाओ। पृथ्वी पर भागकर जाने से तो कहीं भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूझता है तो शांति के साथ ही राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी सौंप दो। भीष्म जी ने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव लोग संग्राम में अजेय हैं, तुम उनके साथ संधि कर लो, मगर उस मंदमती ने उनकी बात नहीं मानी। मैंने तो सुना है भीमसेन तुम्हारा भी खून पिएगा। उसका यह विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। क्या तुम भीमसेन का पराक्रम नहीं जानते, जो तुमने पांडवों से वैर बांध लिया और आज मैदान छोड़कर भागने लगे? अब जहां सात्यकी है वहां शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना यह सारी सेना भाग जाएगी। जाओ संग्राम में वीर सात्यकी से भिड़ जाओ। आचार्य के इस प्रकार कहने पर दुशासन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह सब बातों को सुनी अनसुनी सी करके युद्ध से पीठ न फेरने वाले यवनों की भारी सेना लेकर सात्यकी की ओर चला गया और बड़ी सावधानी से उसके साथ संग्राम करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर मध्यम गति से पांचाल और पांडवों की सेना पर टूट पड़े और सैकड़ों हजारों योद्धाओं को समर भूमि से भगाने लगे। उस समय आचार्य अपना नाम सुना सुनाकर पांडव, पांचाल और मत्स्य वीरों का घोर संहार कर रहे थे। जिस समय वे इस प्रकार सेनाओं को परास्त कर रहे थे, उनके सामने परम तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीर केतु आया। उसने पांच तीखे बाणों से द्रोण को, एक से ध्वजा को और सात से उनके सारथी को बींध दिया। इस समय यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि आचार्य उस वेगवान पांचाल राजकुमार को काबू में नहीं कर सके। संग्राम में द्रोण की गति रुकी देखकर महाराज युधिष्ठिर की विजय चाहने वाले पांचाल वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सबके सब मिलकर उन पर बाण, तोमर तथा तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब आचार्य ने वीर केतु के रथ की ओर एक बड़ा ही भयंकर बाण छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा और उसकी चोट से प्राणहीन होकर वह पांचाल कुल तिलक रथ से नीचे गिर गया। उस समय उस महान धनुर्धर राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल वीरों ने बड़ी फुर्ती से
आचार्य को सब ओर से घेर लिया। चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथ ये सभी राजकुमार अपने भाई की मृत्यु से व्यथित होकर द्रोण के साथ संग्राम करने के लिए उनके सामने आ गए और वर्षाकालीन मेघों के समान बाणों की वर्षा करने लगे। इससे विप्रवर द्रोण अत्यंत क्रोध में भर गए और उन्होंने उन पर बाणों का जाल सा फैला दिया। इससे वे सब राजकुमार घबराकर किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब आचार्य ने हंसते हंसते उनके घोड़े, सारथी और रथों को नष्ट कर दिया तथा अत्यंत तीखे भल्लों से उनके मस्तकों को भी काट कर गिरा दिया। इस प्रकार उन राजपुत्रों का वध करके आचार्य अपने धनुष को मंडलाकार घुमाने लगे। यह देखकर धृष्टद्युमन को बड़ा उद्वेग हुआ, उसके नेत्रों से जल गिरने लगा और वह अत्यंत कुपित होकर द्रोण के रथ पर टूट पड़ा। तब धृष्टद्युमन के बाणों से द्रोण की गति रुकी देखकर संग्राम भूमि में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसने क्रोध से तिलमिलाकर आचार्य की छाती पर 90 बाणों से चोट की। इससे वे रथ की गद्दी पर बैठकर मूर्छित हो गए। धृष्टद्युमन ने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठाई और अपने रथ से कूदकर फौरन ही आचार्य के रथ पर चढ़ गया। वह उनका सिर काटने वाला ही था कि द्रोण की मूर्छा टूट गई। जब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युमन उनका काम तमाम करने के लिए निकट आ गया है, तो वे पास से ही चोट करने वाले वितस्त नाम के बाण छोड़ने लगे। उन बाणों से धृष्टद्युमन का उत्साह भंग हो गया और वह तुरंत ही उनके रथ से कूदकर अपने रथ पर जा चढ़ा। अब वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों से बींधने लगे। दोनों ने ही संपूर्ण आकाश, दिशा और पृथ्वी को बाणों से छा दिया। उनके उस अद्भुत युद्ध की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। अब द्रोण ने बड़ी फुर्ती से धृष्टद्युमन के सारथी के सिर को काटकर गिरा दिया। इससे उसके घोड़े रणभूमि से भाग गए। तब आचार्य पांचाल और सृंजय वीरों के साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर अपने व्यूह में आकर खड़े हो गए। इधर दुशासन बरसते हुए बादल के समान बाणों की वर्षा करता सात्यकी के सामने आया। उसे आया देख सात्यकी उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने बाणों से एकदम ढक दिया। जब दुशासन और उसके साथी बाणों से बिल्कुल ढक गए, तो वे सब सैनिकों के सामने ही भयभीत होकर युद्धस्थल से भाग गए। दुशासन को सैकड़ों बाणों से बिंधा देखकर राजा दुर्योधन ने त्रिगर्त वीरों को सात्यकी के रथ की ओर भेजा। उन 3 सहस्त्र रथी योद्धाओं ने युद्ध का पक्का निश्चय कर सात्यकी को चारों ओर से रथों की बाढ़ से घेर दिया। किंतु सात्यकी ने अपने बाणों की बौछार से उस सेना के 500 अग्रगामी योद्धाओं को बात की बात में धराशायी कर दिया। तब रहे सहे वीर अपने प्राणों के भय से द्रोणाचार्य जी के रथ की ओर लौट गए। इस प्रकार त्रिगर्त वीरों का संहार करके वीर सात्यकी धीरे-धीरे अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इस समय आपके पुत्र दुशासन ने उस पर फिर 9 बाणों से वार किया। तब सात्यकी ने उस पर 5 बाण छोड़े और उसके धनुष को भी काट डाला। इस प्रकार सबको विस्मय में डालकर वह फिर अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इससे दुशासन का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकी का वध करने के विचार से उस पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी। किंतु सात्यकी ने अपने पैने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर उसे बाणों से बींध डाला और सिंह के समान गर्जना की। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा और उसने दुशासन की छाती को 3 बाणों से घायल कर 1 भल्ल से उसके धनुष को और 2 से उसके रथ की ध्वजा तथा शक्ति को काट डाला। फिर कई तीखे बाण छोड़कर
उसके दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। तब त्रिगर्त सेनापति उसे अपने रथ पर चढ़ाकर ले चला। सात्यकी ने कुछ देर तक उसका भी पीछा किया, किंतु फिर उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा याद आ गई, इसलिए उसने दुशासन का वध नहीं किया। राजन, भीमसेन ने आपकी सभा में ही आपके सब पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए सात्यकी ने दुशासन को मारा नहीं, वह उसे संग्राम भूमि में परास्त कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा।